क्या मखाना खाने से यानी फॉक्स नट्स खाने से क्या हमारी शुगर बढ़ती है या कम होती है, आज इस चीज़ पर मैं रिव्यू करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डायबिटीज़ फूड ज्ञान। आज मैं जो लेने वाला हूँ वो है मखाना, जो मैं लूँगा 15 ग्राम। ये मैंने 15 ग्राम लिया है, आप फोटो में देख सकते हैं इतनी क्वान्टिटी है, ये 15 ग्राम है। एक्चुअली 15 ग्राम भी लोग इतना नहीं खाते हैं, आप 5 ग्राम या 6 ग्राम लेते हैं, लेकिन मैंने 15 ग्राम दिया कि जिससे अपने को पता चले कि एक्चुअली कितने की 5 ग्राम से कुछ होने वाला नहीं है, शुगर में ज़्यादा अप डाउन नहीं होने वाला, तो हमें पता नहीं चलेगा। तो मैंने 15 ग्राम दिया है मखाना और उसको मैंने हल्की आँच में मैंने तवे पे थोड़ा घी डाल के उसको मैंने सेक लिया है कि टेस्ट में थोड़ा सा अच्छा लगे, और कुछ नहीं। आप उसको बिना सेके भी, बिना तवे पे सेके भी आप उसको खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खाने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें हैं जो मखाने के बारे में बताना चाहता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मखाना जो है मोस्टली हमारे जो भारत में व्रत के टाइम पे यानी फास्टिंग के टाइम पे खाया जाता है, और साथ में स्वीट्स में भी जैसे खीर है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें ये लोग मखाना यूज़ करते हैं। किससे नहीं खाना चाहिए? जिसको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है उसे ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, जिससे क्या है कि स्टोन की जो बनने की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा भी अच्छी होती है और इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा भी काफ़ी अच्छी होती है। ये बीपी को भी मेंटेन करने में काफ़ी फायदेमंद होता है अगर हम इसको खाते हैं तो। मखाना जो है ये लो ग्लाइसेमिक लोड में माना जाता है और इसको हेल्दी स्नैक्स भी माना जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर भी अच्छा है, फैट नहीं है, नाक के बराबर होता है, लेकिन इसमें कैल्शियम भी अच्छा है, पोटेशियम भी अच्छा है, यानी कम कैलोरीज होती है, कैलोरीज भी काफ़ी कम होती है इसमें। ये स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए भी, दोस्तों वेट लॉस के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये स्नैक, आपको ज़रूर खाना चाहिए। अगर मैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करूँ, मखाने की न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करूँ, तो 100 ग्राम में हमें 350 जो है कैलोरीज मिलती है, फैट हमें नाक के बराबर मिलता है, प्रोटीन जो है वो 10 ग्राम के आसपास होता है, कार्बोहाइड्रेट है वो 77 ग्राम है। ठीक है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा है, 77 ग्राम है, और जो फाइबर है वो 15 ग्राम है। तो ये है पूरा न्यूट्रिशन वैल्यू, चेक करेंगे क्या रियल में हमारे डायबिटीज़ के लिए यानी हमारे शुगर के लिए भी ये फ़ायदेमंद है या नहीं, क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आज मैं इसी चीज़ पर रिव्यू करूँगा। तो सबसे पहले आप टाइम देख सकते हैं, ये कुछ 3:30 के आसपास हुआ है, मैंने 1 बजे अपना लंच कंप्लीट किया था। तो मैं शुगर जो चेक करूँगा वो रहेगी मेरी रैंडम ब्लड शुगर, क्योंकि 2.5 घंटा हो चुका है। और दोस्तों मैं अभी भी आपका ऑफिस रिपीट कर रहा हूँ कि काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स भी करते हैं कि राकेश भाई आप कौन सी मेडिसिन लेते हैं और कब लेते हैं। मैं जेमर 1 mg लेता हूँ और वो भी रात को 1, इसके अलावा फिर मैं नहीं लेता हूँ। तो मैं ये इस उंगली से मैं अपनी शुगर चेक कर लेता हूँ। यह है मेरी रैंडम ब्लड शुगर, आपको दिख रही होगी रैंडम ब्लड शुगर 238 आई है मेरी, जो मैंने 2.5 घंटे पहले मैंने अपना लंच कंप्लीट किया था। एक्चुअली कोई भी चीज़ खाते हैं 2 घंटे के बाद धीरे धीरे हमारी शुगर कम होने लगती है, इसलिए लोग उसको रैंडम ब्लड शुगर ही मानते हैं। तो ये है देखो 15 ग्राम है पूरा, बड़े बड़े हैं, मीडियम भी है और बड़े भी हैं, दोनों हैं। तो इसको मैं 15 ग्राम को खा लेता हूँ, फिर मैं आपको मिलूँगा 2 घंटे बाद कि हमारी शुगर क्या रहेगी। अगर इसको मैं खा रहा हूँ ना, सपोज देखिए मैंने घी का मैंने उसको थोड़ा सा सेका घी के ऊपर, तो घी का थोड़ा टेस्ट इसमें आ रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी अपना 15 ग्राम मखाना यानी फॉक्स नट्स मैंने कंप्लीट कर लिया है। टाइम हो गया है एग्जैक्ट 3:30, 3:30 हुआ है।
तो मैं आपको मिलूंगा एग्जैक्ट 2 घंटे बाद यानी 5:30 को। अभी जो मेरी शुगर आई थी वो थी मेरी 238 जो थी मेरी रैंडम ब्लड शुगर। मिलता हूँ आपको 2 घंटे बाद यानी 5:30 को। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मुझे अभी 2 घंटा होने वाले हैं 15 ग्राम मखाना यानी फोक्स नट्स खाए हुए। खाने से पहले थी मेरी जो शुगर वो थी 238 जो थी मेरी रैंडम ब्लड शुगर, ठीक है। और दोस्तों एक दो चीज़ और बताना चाहता हूँ, यानी हम डायबिटीज़ पेशेंट यानी शुगर पेशेंट को वाइट जो चीज़ होती है वाइट उससे दूरी रखा जाता है। जैसे सूजी हो गया वाइट होता है, मैदा हो गया वाइट होता है, पोहा होता है वाइट होता है, शक्कर होती है वाइट होती है, आटा होता है वाइट होता है, यानी कोई भी चीज़ जो वाइट चीज़ होती है ना वाइट चीज़, वो हमें डॉक्टर बोलते हैं कि आप इसको यूज़ ना करें, वो अपने शुगर के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। चलिए अब 2 घंटा हो चुका है, मैं अभी पहले अपनी शुगर चेक कर लेता हूँ। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये वाली उंगली से मैंने ली थी तो मैं इसी से लूँगा। एक्चुअली मखाना भी वाइट होता है। चलिए देखेंगे, ये आ गए हमारे 2 घंटे बाद की शुगर 15 ग्राम मखाना खाए हुए 226। यानी आप इसको कह सकते हैं कि मखाना हम अपने डाइट में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इससे हमारी शुगर बढ़ती नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं होती है। देखिए मैंने क्वांटिटी ज़्यादा ली थी, 15 ग्राम मैंने आपको दिखाया था कि पूरी प्लेट भर गई थी। तो हम लोग कभी भी कोई चीज़ खाते हैं तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग नहीं खाते हैं, मखाने की बात कर रहा हूँ, इसका हम लोग आधा खाते हैं। तो यानी हमारी शुगर एज इट इज़ रहती है, यानी मखाना हम अपने शुगर में इसको ऐड कर सकते हैं एज ए स्नैक्स या कोई मिठाई में भी यूज़ करना हो तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।